मैंने विजुलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं, हैरतअंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो ये ट्रैक पर ही दौड़ रहे हों, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूँ, अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए, उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, अगर आप बदलाव चाहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।